पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना, 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है, ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम है लर्न अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन, के इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्यों जरूरत महसूस होती है हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में ये टॉपिक है। नेक्स्ट अब हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसमें नेक्स्ट स्लाइड में क्या चीजें आ रही है। इसमें हमारे पास आता है नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन, हमें इन्फॉर्मेशन सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें ये कहता है कैन कट कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट, कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम की वजह से हमें ऐसे आइडियाज मिलते हैं जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम से कम होती है और हमें प्रॉफिट्स इंक्रीज होता है, यानी कि हमारे बजट में हमें सिचुएशन ऐसी मिल जाती है कि हम लोग उसमें कम बजट में भी ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। और ये बहुत सी फील्ड में स्टूडेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले मैनेजमेंट में उसने बात की कि मैनेजमेंट मेजर माइट बी हायर टू डिजाइन अ सिस्टम टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये इसके मुताबिक काम करता है। और बायोकेमिस्ट्री मेजर माइट बी हायर टू कंडक्ट ड्रग्स रिसर्च यूजिंग कंप्यूटर टेक्निक्स, की कंप्यूटर की टेक्निक्स को यूज करते हुए इसके ऊपर वर्क किया जाता है। कि जो बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं कि बहुत से एनालिसिस के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कंप्यूटर के थ्रू। नेक्स्ट आती है इन्फॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, कलेक्ट मैनिपुलेट स्टोर डिजामिनेट डाटा एंड इंफॉर्मेशन, कि हमारे पास जितने इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं इनके मिलते जुलते हम ये स्टोर करते हैं डाटा को, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उनका फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। एग्जांपल्स हैं ATMs, एयरलाइंस, रिजर्वेशन सिस्टम्स एंड कोर्स रिजर्वेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक मोबाइल सिस्टम्स आ जाती हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स यानी के, और एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स वो सिस्टम जिसके अंदर हमारी कोई टिकट वगैरह की बुकिंग होती है। कोर्स रिजर्वेशन सिस्टम मतलब अगर हम कोई और ऑनलाइन कोर्स या स्किल सीखना चाह रहे हैं, कोई कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं, ये उसके मतलब आता है। नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है डाटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, डाटा क्या होता है, वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसको हम शुरू से पढ़ते आते हैं, इसकी यानी कि बिखरा हुआ फॉर्म में डाटा, इसमें अल्फा न्यूमेरिक इमेज ऑडियो एंड वीडियो सारी चीजें क्या होती हैं इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटा होता है, कहता है कि हम मैंने आपसे एक आपकी पिक्चर ले ली है, क्लास की 20 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मैंने उनकी पिक्चर्स कलेक्ट की, मैंने कहा कि इन पिक्चर्स में मुझे सारे बच्चे जो है ना अपनी अपनी पिक्चर्स ने मैंने एक फॉर्म पे लगानी है, या मुझे एक फॉर्म चाहिए जो मैंने आगे भेजना है जिसमें मुझे सारी क्लास की पिक्चर्स रिक्वायर है। आप सब बच्चों को मैंने एक दिन या दो दिन देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 डेज ही देती हूँ, तो मुझे आप 2 डेज में दे रहे हैं तो अभी नेसेसरी तो नहीं कि फर्स्ट एंड रोल नंबर मुझे फर्स्ट डे में दे दें, दूसरे ये अगर मैं कहूंगी तो ऐसा होगा, लेकिन अगर मैं नहीं कह रही तो इट्स मीन कि कोई मुझे रोल नंबर 11 पकड़ा रहा है, 1 पकड़ा रहा है या 7 पकड़ा रहा है, तो ये मेरी जो होगा वो रॉ फैक्ट्स की फॉर्म में यानी कि डाटा बन जाएगा। जब मैं इसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करूंगी, 20 के 20 रोल नंबर्स को अरेंज्ड फॉर्म में रख के पिक्चर्स को लगाऊंगी, तो वो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। इन्फॉर्मेशन क्या आता है, कलेक्ट्स ऑफ फैक्ट्स ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट दे हैव एडिशनल वैल्यू बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ फैक्ट देमसेल्व्स, के उसके बारे में फैक्ट्स बताता है कि आप काम कैसे चल रहे हैं, काम को लेकर कैसे जोड़ रहे हैं, चीजों को कैसे एक्सप्लेन करें, किस तरह से आप बता रहे हैं कि आपका काम जो है वो वर्किंग सिचुएशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस तरह से हम लोग उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलते हैं। अच्छा, अब आते हैं नॉलेज के ऊपर। नॉलेज क्या होता है कि हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में ही डाटा किया है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन हमें दी गई है, कैन डिफाइंड एज अवेयरनेस ऑफ फैक्ट्स एज प्रैक्टिकल स्किल्स एंड मे आल्सो रेफर टू फॉर्मेलिटीज विद ऑब्जेक्ट्स एज सिचुएशंस, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स आल्सो रेफर टू एज प्रोपोजिशनल नॉलेज इज ऑफन डिफाइंड एज ट्रू बिलीव दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओपिनियन एंड गेस वर्क बाय वर्चुअल ऑफ
जस्टिफिकेशन के हमें जैसा नॉलेज ओरिजिनल में चाहिए होता है कि उनके बारे में हमें अवेयरनेस चाहिए होती है, उन चीज़ों को देखते हुए हम उसके ऊपर वर्किंग कराते हैं, उन स्किल्स को देखते हैं, उनको रेफर करते हैं कि हमें ऐसा ऑब्जेक्ट है या हमारी ऐसी सिचुएशन है उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, अपना फैक्ट दे रहे हैं, अपने नॉलेज को रेफर कर रहे हैं, प्रोपोजिशनल नॉलेज है, क्या हम डिफाइन कर रहे हैं, अपने ट्रूली बिलीव बता रहे हैं कि नहीं ये जो हम चीज़ें देखना चाह रहे हैं हमारे ओपिनियन के मुताबिक है कि नहीं, हमारा गेस वर्क ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं उस टेबल पर जो हमने इस स्लाइड में पढ़ा था कि अल्फानुमेरिक इमेज, ऑडियो एंड वीडियो, और इसी का मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्क्राइब करूंगी। यही वाली वो स्लाइड है जिसमें हमने एक टेबल बनाया है जिसमें ये पांच चीजें हमने पढ़ी थी, अल्फानुमेरिक डाटा, इमेज डाटा, ऑडियो डाटा एंड वीडियो डाटा, मतलब ये किस टाइप का डाटा होता है जिसमें हम रिप्रेजेंट करें। आप फिजिक्स के जैसे टर्म्स होती है हमारे पास ना, जिसमें हम लोग मीटर, सेंटीमीटर वगैरह, या वेलोसिटी कहते हैं, स्पीड के यूनिट्स आते हैं, एक्सीलरेशन का यूनिट आता है, ऐसा यूनिट जिनको पढ़ते हैं, इसी तरह कंप्यूटर में जिसे आईटी की दुनिया में भी हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं डाटा के, और डिफरेंट टाइप्स की डाटा टाइप्स होती हैं उनके हवाले से हम वर्क करते हैं। अल्फा से मराद अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक से मराद हमारा जितना भी डाटा न्यूमेरिक के सामने है। अल्फाबेटिक में नंबर, लेटर एंड अदर करेक्टर्स आ जाते हैं। अदर करेक्टर से मराद हमारे पास डॉलर साइन, इक्वल का सिंबल, जितने भी सिंबल हैं वो अवेलेबल होते हैं। इमेज डाटा क्या होता है? वो डाटा जो कि ग्राफिक्स के फॉर्म में है, यानी कि जिस डाटा को, इमेज को हम खुद बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं या उसकी पिक्चर डाल रहे हैं, उसको हम ग्राफिक इमेज का नाम देते हैं। अब आते हैं ऑडियो डाटा पे। ऑडियो डाटा में साउंड, नॉइस और टोन्स के, मतलब वो डाटा जिसके अंदर साउंड आ जाती है या फिर कोई नॉइस, यानी कि कोई शोर वगैरह सुनाई दे रहा है, कोई मोबाइल की टोन है या किसी हमने उसको सेट किया हुआ है। अब वीडियो डाटा में आते हैं। वीडियो डाटा में मूविंग इमेजेस या पिक्चर्स, यानी कि ऐसे पिक्चर्स, यानी कि जैसे हम पिक्चर्स लेके ना डिफरेंट किस्म की, तो उनको जोड़ के एक म्यूजिक पीछे लगा देते हैं, उसको हम वीडियो का नाम देते हैं, या हम एक प्रॉपर वीडियो एक अरेंज करके बना रहे हैं उसको हम वीडियो डाटा का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने इसको ऑर्गेनाइज किया एक रिलेशनशिप में अमाउंट डाटा क्रिएट, जब कोई भी डाटा चाहिए होता है एक के बाद एक तो डाटा होता है वो उसके ऊपर रखते हैं, एक क्लास कंडक्ट हुआ है, पेपर कंडक्ट करके रख दिया अपना, वन बाई वन पेपर एक दूसरे के ऊपर रखते जा रहे हैं। अब वो जब वो पेपर रखते जा रहे हैं, जब वो चले जाएंगे, उन डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ऑर्गेनाइज करने के बाद बताया जाएगा कि आपका डाटा इस फॉर्म में है, आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है, इस तरह से डिस्क्राइब करना है, या आपने वन बाय वन पेपर्स को अरेंज करके रखना है, फिर हम टीचर्स होंगे उसी हिसाब से पेपर को चेक करेंगे, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि स्टूडेंट ने पेपर अटेंड किया, किसने हमारे पास कोई बच्चा एबसेंट है, या हम पूरी डिटेल के हिसाब से उस पेपर को अरेंज कर लेते हैं, सीक्वेंस बना लेते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है डाटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज के रिलेटेड ही है। डेटा इन्फॉर्मेशन दरमियान में जो पोर्शन है वो इन्फॉर्मेशन तक प्रोसेस होने का पोर्शन है, जिसका नाम भी यही है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस अप्लाइंग नॉलेज बाय सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा, कि आपका डेटा जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है, किस तरह से वो चल रहा है, कैसे उसको डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस तरह से उन पॉइंट्स को बता रहे हैं कि हमारे डाटा कोई पॉइंट्स ये वाले थे, इनको डिस्क्राइब करते हुए डाटा को लेकर जाया जा रहा है, इनके इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है कि ये वाले पॉइंट्स थे, इसको हमने डिस्क्राइब किया, इतना डाटा हमारे पास मौजूद था, इन सब डाटा के पॉइंट्स को हमने जोड़ा, यानी कि पहले डाटा बनाते वक्त हमने उसके ऊपर नॉलेज को अप्लाई किया, सिलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, फिर उस डाटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेकर आए। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है इसके बाद आता है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। करेक्टरिस्टिक्स में क्या चीजें आती हैं? एक्सेसिबल, एक्यूरेट, कंप्लीट, इकोनॉमिकल। अब इसकी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स जो है, यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूएबल, यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में आती है, उसकी एक्सेसिबल क्या है? इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्सेसिबल बाई ऑथोराइज यूजर सो दे कैन ऑब्टेन इन राइट फॉर्मेट एंड राइट टाइम टू मीट देयर नीड्स, कि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन की एक्सेस होनी चाहिए जिसको हमने एक बिल्कुल सही तरीके से बनाया है और ऑथोराइज है, यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसकी जब भी हमें जरूरत पड़े हम उसको एक राइट टाइम के तौर पे अचीव कर सकते हैं। अब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन में क्या चीज आती है? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज एरर फ्री इन केस इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड बिकॉज, हाँ जी, हमारे पास क्या आता है? इनएक्यूरेट डाटा इज फेड इन टू द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, दिस इज कॉमनली कॉल्ड गार्बेज इन गार्बेज आउट।
अच्छा ये एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई है, इसको भी डिस्कस करते हैं। एक्यूरेट डाटा वो होता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसमें कोई एरर ना हो, इसलिए इसको एरर फ्री कहा गया। इसके कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे पास इनएक्यूरेट यानी कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आती, जिसमें अब डाटा को जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में रखा जाता है। इस वाली सिचुएशन को अमूमन हम कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। कैसी वैल्यू, जो गार्बेज होता है मतलब कचरा टाइप चीज है, अगर वो एंटर हो गई या इन अंदर आ गई और हमने उसको बाहर निकाल दिया, इस सिचुएशन को हम एक्यूरेट में लेकर आते हैं कि हमने ऐसी इंफॉर्मेशन ले ली है जिसमें एक्यूरेसी पाई जाती है, उसको हम लोग एक्यूरेट कहते हैं। अब आते हैं कंप्लीट के ऊपर। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंटेन्स द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फॉर एग्जांपल एन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दैट डज नॉट इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट कॉस्ट इज नॉट कंप्लीट। कि हमारे पास जितनी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसके अंदर तमाम फैक्ट्स का होना जो उसके रिलेटेड, लाइक एक रेस्टोरेंट के रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पिज्जा रेस्टोरेंट है, उसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी कैटेगरीज का पिज्जा बनता है, हमें लोकेशन पता होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि वो हाइजेनिक है कि नहीं है या अनहाइजेनिक प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं, या फिर हमें उनकी सर्विंग मेथड्स पता होने चाहिए कि ये भी इस तरह से सर्व कर रहे हैं, या इनके डिलीवरी मेथड्स क्या है, इनके GSP क्या लग रहे हैं। हम इसके बारे में एक रिसर्च कर रहे हैं एक रेस्टोरेंट के बारे में, तो हम उस रिसर्च के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट डालेंगे, कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, पिज्जा कैसे बनता है, कितने शेफ हैं, या फिर सफाई का ख्याल रखा जाता है कि नहीं रखा जाता, या उसके अंदर किसने इन्वेस्ट किया है, या फिर उनका इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दैट डज नॉट इंक्लूड ऑल इंपोर्टेंट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में जो होता है कि हम ये नहीं करते कि तमाम इंपोर्टेंट कॉस्ट इज नॉट कम्प्लीट, मतलब ये कि हमने ये नहीं बताया कि जी हमने जब इन्वेस्टमेंट की तो हमने इतने की कंस्ट्रक्शन की, इतने का सामान आया, इतना एसेट्स था हमारे पास उसके ऊपर रहता हुआ, हमने इसके ऊपर वर्किंग कराई, इतना नहीं हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया, हमने कुछ पॉइंट बता दिए, कुछ नहीं। हमें जब इसके ऊपर रिसर्च करनी है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियरली अंडरस्टैंड, देन वी स्टार्ट द रिसर्च। ये जो चीज है ये हमें बहुत वैल्यूएबल देती है हमारी इंफॉर्मेशन में, जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है कि किस इंफॉर्मेशन को हमने आगे यूज करना होता है, जिसको हम इंटरनेट पे यूटिलाइज कर रहे हैं, ये जिसको सेकेंडरी यूटिलाइज बना रहे हैं, यानी कि हमने प्राइमरी के तौर पर काम किया। प्राइमरी वो होती है जो हमने फर्स्ट टाइम किया, मैंने अब किसी चीज के ऊपर रिसर्च की ना वो रिसर्च बन जाती है, वो रिसर्च नहीं होती, वो सर्च होती है कि फर्स्ट टाइम मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ, ऑलरेडी वो एक प्राइमरी डाटा बन गया। अब मैंने उस डाटा को रख दिया, अब वो लोग कोई आता है कहता नहीं इसके अंदर थोड़ी सी और चेंजिंग होती है, वो मेरे पहले यूज किए हुए डाटा को यूज करेगा, उसको हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे और उसको रिसर्च का नाम दिया जाएगा, वो एक्सप्लेन करेगा। आप आते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में क्या आता है, इन्फॉर्मेशन शुड आल्सो बी रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस, कि हम इकोनॉमिकली इसे कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा डिसीजन मेकर क्या है, किस तरह से वो बैलेंस कर रहा है हमारी इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट को, क्या वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमारे पास इकोनॉमिकल में हमें सबसे ज्यादा बजट के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हमारा बजट क्या है, किस तरह से बन रहा है, क्या हमारे बजट में चीजें एक्सप्लेन हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही, किस तरह से हम उसकी कॉस्ट को लेकर चल रहे हैं। अब आते हैं फ्लेक्सिबल के ऊपर। फ्लेक्सिबल इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। अच्छा, हम मुख्तलिफ वैरायटियों के हिसाब से हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी डाल सकते हैं कि इसमें कोई चेंज करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, चीजें हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्फॉर्मेटिव ऑन हाउ मच इन्वेंट्री इज ऑन हैंड फॉर ए पार्टिकुलर पार्ट कैन बी यूज्ड बाय अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन ए क्लोजिंग द सेल बाय प्रोडक्शन मैनेजर टू डिटरमाइन वेदर मोर इन्वेंट्री इज नीडेड बाय अ फाइनेंशियल एग्जिट टू डिटरमाइन द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री। के इन्वेंट्री को देखते हुए हमने किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया, क्या हमने जो चीजें एक्सप्लेन की हैं वो सारी उसके अंदर मौजूद हैं, वो चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या उन चीजों के अंदर लिया जा रहा है, या हमने जो फ्लेक्सीबिलिटी डाली है ये चेंजेस को देखते हुए कोई भी अंदर चीज आई है उसको हमने बता दिया कि अगर हमारी डेटा 500 रुपए की और जरूरत पड़े तो हमारे बजट में इतनी कम जाएगी कि हम 500 रुपए इसमें से और निकाल सके। इसके हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो इसी के रिलेटेड है। आगे रेलिवेंट आता है रिलायबल सिक्योर सिंपल टाइमली एंड वेरीफाइएबल। हमारी डिसीजन मेकर के रेलिवेंट है, इन्फॉर्मेशन शो करती है हमारा लंबर प्राइस क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है, हम उसके बारे में कितना रेलिवेंट ले रहे हैं, डाटा कंप्यूटर का चिप क्या मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, उस डाटा को हम एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं कि हमारा जो डाटा है वो पूरे का पूरा टॉपिक के रिलेट है कि नहीं है। अब रिलायबल और फ्लेक्सीबल तकरीबन मिलता जुलता है कि इसमें हमने डिपेंड करना होता है कि किसी चीज के ऊपर हम लोग कैसे वर्क करें। रिलायबल इन्फॉर्मेशन कैन बी डिपेंडेड ऑन इन मैनी केस द रिलायबल ऑफ द इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा कलेक्शन मेथड, इन अदर इंस्टेंस रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन। अरूमन
from an unknown source that oil prices might go up might not be reliable, कि हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल नहीं है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया गया किस तरह से वो किन चीज़ों को बता रहा है कि हमारा डाटा जो है वो कैसे चीज़ों को जोड़ता हुआ आगे लेके जा रहा है. इंफॉर्मेशन शुड बी सिक्योर फ्राम एक्सेस बाई अनऑथोराइज यूजर, के अनऑथोराइज यानी कि हमारे पास जितने यूजर्स थे उनके हवाले से ये अनऑथोराइज है, इसकी एक्सेस हमें सही तरह से नहीं मिल पाई. इस तरह की चीज़ों को हम लोगों ने देखना कि वो अनऑथोराइज पर्सन जिनके बारे में हम कहते हैं कि उनको एक्सेस नहीं दी गई थी उनके बारे में डाटा हमने लिया है, कि अनऑथोराइज वो हमारी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करने वाले. सिंपल में क्या आता है, इंफॉर्मेशन शुड बी सिंपल नॉट ओवरली कम्प्लेक्स, की इन्फॉर्मेशन दिन ब दिन हमारे पास सिंपल होनी चाहिए, ओवरली कम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, कि उसके अंदर ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमारी इन्फॉर्मेशन डे बाई डे कैसे कम्प्लेक्स होती जा रही है, चीज़ों को कैसे बयान कर रही है. सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए और डिटेल्ड, यानी कि जिस पॉइंट के बारे में उसी के बारे में, और इसको हम और कम्प्लेक्स ना करें, ये ना कि एक पॉइंट के अंदर मल्टीपल पॉइंट्स डालते जाएं. अच्छा, माइंड ना इनफैक्ट टू मच इन्फॉर्मेशन कैन काज इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड, हाँ जी ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड का जरिया बनती है. वेयर बाई अ डिसीजन मेकर हैज टू मच इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इज यूजेबल टू डिटरमाइन वट इज रियली इम्पोर्टेंट, कि क्या चीज इम्पोर्टेंट है, किस तरह से इसको हम डिटरमाइन कर रहे हैं. टाइमली इन्फॉर्मेशन इज डिलीवर्ड when it is needed, knowledge last week is better condition will not help when trying to decide what court to wear. हमें ना टाइमली डिसीजन लेना जरूरी होता है, ये ना ओके हम सर्दियों के इंतजार में बैठे रहे कि हमने चीज़ें खरीदी नहीं है, कपड़े खरीदे ही नहीं सर्दियों वाले, और अचानक सर्दी आ जाती है और हमें कोट पहनने की जरूरत महसूस होती है और हमारे पास मौजूद होता ही नहीं है. अब वेरीफाइएबल की चीज़ होता है कि जो चीज़ हमने दी काम किया जिसके ऊपर हम उसको वेरीफाई करें कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपने बिल्कुल सिक्योरली इसके ऊपर वर्क किया, आपने सेम इन्फॉर्मेशन लिया सेम सोर्सेज से आप लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्टली आप लोग इसके ऊपर वर्क करते हुए चल रहे हैं, इस चीज़ को वेरीफाई करना या किसी और से वेरीफिकेशन. A value of information. A value of information की definition पढ़ते हैं. Value of information is directly linked to how it helps decision makers achieve their organization goals. ये हमारी help करता है कि हम किस तरह से link करते हैं अपनी organization के साथ उनके गोल्स को, उनके जो हमारी डिजायर नीड्स हैं अपने डिसीजन मेकर, यानी कि जो हमारे फैसला करने वाले लोग हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले हैं, जो कस्टमर्स की डिजायर नीड्स को पूरा करने वाले हैं, उनके मुताबिक हम लोग कैसे वर्क करते हैं. फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन माइट बी मेजर्ड, अच्छा दो पार्ट्स में हम लोग इसको मेजर करते हैं. नंबर वन टाइम, नंबर टू हमारे पास के प्रॉफिट के साथ, जितना हमने टाइम लगाया क्या हमें उस हिसाब से प्रॉफिट मिला है कि नहीं मिला हमारी कंपनी को. इस हवाले से हम अपनी चीज को डिस्कशन में लेकर आते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है उस हवाले से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसमें हमने एक डायग्राम को देख रहे हैं, इसमें आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड आउटपुट और उसका फीडबैक आता है. पहले इनपुट आया फिर उसको प्रोसेस करवाया यहाँ से, फिर देन आउटपुट आ गई. अब ये आउटपुट जो है वो प्रोसेसिंग से होती हुई दोबारा इनपुट के पास जाती है, वो कंपोनेंट्स अपने डिस्क्राइब करती है, वो बताती है कि ये डाटा जो है ये ऐसे वर्क कर रहा है कि इन पहले आपका डाटा इनपुट लेता है फिर उसकी प्रोसेसिंग करता है देन उसकी आउटपुट को परफॉर्म करवाता है. इस तरह से इस वे में इस डाटा को परफॉर्म किया जाता है. ये टोटल बन जाते हैं कंपोनेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स ये बन जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आती है इनपुट, जो हमने अभी डायग्राम में पढ़ा, इनपुट प्रोसेसिंग एंड फीडबैक. इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अब डिस्क्रिप्शन है. इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड फीडबैक. इनपुट क्या होती है, द एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग एंड कैप्चरिंग रॉ डाटा, कि हमने एक्टिविटी वो लेनी है जो कि हमारा डाटा को गैदर कर रही है या कैप्चर कर रही है इन्फॉर्मेशन को, उसके मुताबिक लेते हुए उसमें वर्क करवा रही है कि हमारा जो डाटा वो करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा. फिर उसकी प्रोसेसिंग को देखते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं डाटा को किसमें, यूजफुल आउटपुट में, ऐसी आउटपुट जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमें फायदा देती है. आउटपुट प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स. हाँ जी, जो आउटपुट होती है या तो वो रिपोर्ट की फॉर्म में होगी या कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे उनके मुताबिक काम करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है फीडबैक. आउटपुट दैट इज यूज्ड टू मेक चेंजेस टू इनपुट आर प्रोसेसिंग एक्टिविटीज, की हमारी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज में उसके मुताबिक इस चीज को वर्क करवाया जाता है, जिसको अंडरस्टैंड किया जाता है, उनकी चेंजेस को देखा जाता है. मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मैनुअल सदाबहार पुराना सिस्टम जो चलता आ रहा है, जिसको हम लोग खुद से लिखते आए हैं हैंड रिटन, और कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर से आप टाइपिंग करके एक प्रिंटेड फॉर्म में डाटा या उसके अंदर विदाउट चेंजिंग वाला डाटा आप लोग हासिल कर सकते हैं. मैनुअल में चेंजिंग के चांसेस हो सकते हैं. मैनुअल की एग्जांपल क्या है, डेवलपिंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स ऑन ग्राफ्स पेपर फॉर स्टॉक एनालिसिस, के हमने खुद से पैटर्न या हमने वो ट्रेंड या ग्राफ बनाने हैं
स्टॉक एनालिसिस के लिए कि हमारे पास कितना एनालिसिस कितना स्टॉक मौजूद है, किस हवाले से ये वर्क कर रहा है, किस तरह से ये चीजों को लेके चल रहा है, उसके हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आते हैं कंप्यूटराइज के ऊपर। कंप्यूटराइज की जो एग्जाम्पल है, इसमें हम अपने काम को देखते हैं कि हमारा मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस हवाले से हम उसके ऊपर ब्लॉग्स लेके जा रहे हैं, किस तरह से हम उसकी अपनी जितनी भी चीजें आ रही हैं उनको कैसे अफेक्ट करवा रहे हैं, उनके कवर कैसे कर रहे हैं, चीजों को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट अब कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं CBIS। CBIS स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिंगल सेट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटाबेसिस टेलीकम्युनिकेशन पीपल एंड प्रोसीजर कंफिगर टू कलेक्ट मैनिपुलेट स्टोर एंड प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। के हमारे पास जो सिंगल सेट आता है हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का डेटाबेसिस का टेलीकम्युनिकेशन का, ये जितने भी होते हैं हमारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके ऊपर डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उन डाटा में चेंजिंग परफॉर्म करते हैं, उनको डाटा को स्टोर करते हैं, उसको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इंफॉर्मेशन में लेके आते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा हमारे पास एक हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए और डेटाबेसिस होने चाहिए जिस डाटा को स्टोर करे, रब्ता करने का जरिया होना चाहिए, पीपल हों जो इस काम को परफॉर्म करें, और वो तरीकाकार हों जो फिर क्या करेंगे, सारे डाटा को कलेक्ट कर लेंगे, उसके अंदर कोई चेंजिंग परफॉर्म करनी है उसको मैनिपुलेट कर लेंगे, नेक्स्ट उस डाटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में ले आएंगे। नेक्स्ट अब यही डायग्राम उसके ऊपर एक्सप्लेन की गई है। हमने कहा था एक सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो और डेटाबेस हो, ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद रबते का जरिया हो यानी कि इंटरनेट वगैरह हो, फिर पीपल हो जो उस काम को परफॉर्म कर सके, और प्रोसीजर बकायदाकार तरीका है मेथड हो जिसके ऊपर हम रखते हुए इन चीजों को एक्सप्लेन करें कि हाँ हमारा काम ऐसे चल रहा है, इस तरह से हम लोग इसको कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, ये CBIS के ही कंपोनेंट्स आते हैं। अब इनको वन बाय वन करके डिस्क्राइब करते हैं, जिनमें आता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटाबेसिस टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, फिर आता है इंटरनेट पीपल एंड प्रोसीजर। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है CBIS में, हार्डवेयर कंप्यूटर इक्विपमेंट यूज टू परफॉर्म इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट एक्टिविटीज, के हमारे जितने भी कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स हैं वो हमें परफॉर्म करवाते हैं, हमारी इनपुट क्या चल रही है, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है और उसकी आउटपुट कैसे बन रही है। सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर प्रोग्राम्स हमारे रन करते हैं ऑपरेशन पे, कंप्यूटर के बारे में डेटाबेस में क्या करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं कलेक्शन, कितने भी फैक्ट्स पे जा रही है इंफॉर्मेशन पे जा रही है। टेलीकम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, के आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जा रहा है, उन सिग्नल्स को जनरेट किया जाता है। डेटाबेस में तो हम रिकॉर्ड रखते हैं जो हम मैनुअल यानी कि हैंड पर रख रहे थे, अब उसको कंप्यूटराइज फॉर्म में रख रहे हैं। अब वो टेलीकम्युनिकेशन के बाद जब आता है कि एक जगह से दूसरी जगह तो भेजना है, लेकिन किसको भेजना है, उसके लिए नेटवर्क का होना जरूरी है। अच्छा, नेटवर्क की जो बेसिक डेफिनेशन है, हम कहते हैं व्हेन टू आर मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर दिस इज कॉल्ड नेटवर्क, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को कंबाइन किया जाता है इसको हम नेटवर्क का नाम देते हैं। अब जब इसकी डेफिनेशन आती है तो यहाँ पे जो इसने बात बताई है कि नेटवर्क का क्या रोल है CBIS में, कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड इक्विपमेंट इन ए बिल्डिंग अराउंड द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड। आपके पास क्या आता है कि ये जितने भी आपने कंट्री में या फिर आपने एक शहर में या फिर अपनी ब्रांच के विभिन्न जो कंप्यूटर्स हैं या आलात हैं, आपने कैसे उनको कनेक्ट करना है, उनको कैसे जोड़ना है। इंटरनेट में क्या आता है, हम वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है, दुनिया का बड़े से बड़ा जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको जोड़ा जाता है। अच्छा, नेटवर्क की तो डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई, व्हेन टू आर मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। अब कहेंगे इंटरनेट की डेफिनेशन में इसमें नेटवर्क का वर्ड आता है, व्हेन टू आर मोर कंप्यूटर नेटवर्क आर कनेक्टेड टुगेदर दिस इज कॉल्ड इंटरनेट, यानी कि दो या दो से ज्यादा जब कंप्यूटर नेटवर्क्स को जोड़ा जाता है तो वो एक इंटरनेट बना देते हैं। इंटरनेट पे हम पूरी दुनिया की सर्च कर सकते हैं, चीजों को मैनेज कर सकते हैं। पीपल क्या करते हैं, मैनेज रन प्रोग्राम एंड मेंटेन द सिस्टम, की सिस्टम को रन करेंगे मेंटेन करेंगे और मैनेज करेंगे, किस तरह से हमने उसकी स्ट्रेटेजीज को चलाना है, कैसे वर्कआउट करवाना है। अब प्रोसीजर्स पे आते हैं, प्रोसीजर्स में वो तरीकाकार होते हैं जिनको एक्सप्लेन किया जाता है, जिनमें स्ट्रेटेजीज पॉलिसीज मेथड्स और रूल्स के, यानी कि वो तरीकाकार जिसमें कोई ऐसा रूल बताया गया, रेगुलेशन बताया गया या कोई टर्म ऐसी पॉलिसी लगाई गई है जिसको मद्देनजर रखते हुए हम CBIS में काम कर सकते हैं, CBIS के पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि इस टॉपिक में हमारे पास क्या डिटेल है, इसके अंदर कितनी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं
ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हमें एक अदारे को, इंस्टीट्यूट को, या वो जगह जहाँ पे कुछ लोग मिलकर कोई चीज़ आगे कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, अपनी गोल को अचीव कर रहे हैं। जैसे वो कोई इंडस्ट्री लगाते हैं जिसके अंदर वो अपने गोल को अचीव करते हैं, लाइक कपड़े की इंडस्ट्री, तो उनका मकसद ये है कि उन्होंने धागा के जरिए अपना जो है अपना खाम माल लेना, धागा, धागे के जरिए अपने पूरा कपड़ा तैयार करना और उसे आगे से आगे ट्रांसफर करना है। या अगर कोई हमारे पास कोई फूड फैक्ट्री है, उसके अंदर उन्होंने फूड की कोई प्रोडक्ट तैयार करनी है, लाइक मसाला की फैक्ट्री, तो मसाला वगैरह उसने तैयार करना है। अब इसकी जो मेन डेफिनेशन है उसके ऊपर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ पीपल एंड अदर रिसोर्सेज एस्टेब्लिश टू अकॉम्प्लिश अ सेट ऑफ गोल्स। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है अकॉम्प्लिश का और दूसरा एस्टेब्लिश का। एस्टेब्लिश का मतलब होता है कि हम ऐसी चीज कायम करें, किनको यूज करते हुए, जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है। अब इनमें कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का होना जरूरी है, लेकिन हमें सबसे पहले अपने रिसोर्सेज देखना है जिसमें हमारे पास जगह आ जाती है, कि जो लोकेशन है वो हमारे पास है, बिल्डिंग है उस लोकेशन के ऊपर। फिर उसके ऊपर हमने एसेट्स देखने हैं कि हमारे पास फर्नीचर है या वो मशीनरी है जिसके अंदर हम रह के वो सेटअप लगा सकते हैं, उसका हमारे पास बैकअप मौजूद है, या वो जो हमने जो प्रोडक्ट बनानी है उसके रॉ फैक्ट्स, उसके जो हमारा रॉ मटेरियल है वो मौजूद है। अब अकॉम्प्लिश का मतलब होता है अचीव करना, कि हम इस गोल को अचीव कर पा रहे हैं जो हमने अपना गोल तैयार किया था। अब हमने इसे पहले एग्जाम्पल से पहले, इसके डेफिनेशन से पहले ये बात की थी कि हम लोग धागे की फैक्ट्री से कोरा कपड़ा तैयार करके निकाल रहे हैं, तो अब जो धागा है वो हम परचेज करेंगे और उससे आगे जो है हम कोरा कपड़ा बनाएंगे। तो अब हमारा जो मेन गोल था, जो हमने अचीव करना था, वो ये था हमने कोरा कपड़ा बनाना, उसको लेते हुए। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम का इसमें क्या काम आता है, इसमें हमें ये आता है कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैनेज करते हुए काम आगे लेके जा रहे हैं, किस तरह से हम बनाते हैं। पहले हम प्लानिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद उस डेटा को एनालिसिस करेंगे, फिर मेकिंग करेंगे, हाँ जी ये डेटा मौजूद है हमारे पास, फिर मेकिंग करेंगे, मेकिंग करने के बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे कि इससे काम हुआ है, फिर कंट्रोलिंग करेंगे कि इसके ऊपर रहते हुए, देन एंड पे जो मेन काम होता है मेंटेनेंस का होता है, कि हमने जो काम किया है उसको सही अंदाज में जो उसके हैं जिनका गोल है उन तक पहुँचाना, या कस्टमर की जरूरत है उनको देना। एन ऑर्गेनाइजेशन इज द सिस्टम, ये हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है जिसके अंदर रहते हुए हम दो तीन चीजों पे वर्क कर रहे हैं। मेन तो दो ही चीजें हैं, इनपुट एंड आउटपुट। अब हम किस चीज को बेस बना रहे हैं और आउटपुट हमारा गोल आ जाता है। हमने अभी जो धागे वाली बात की, जो इनपुट थी वो हमारा धागा था, जो कपड़ा तैयार होकर निकलता है वो हमारे पास आउटपुट है। इनपुट में रिसोर्सेज, मटेरियल्स, पीपल, मनी, ETC, ये सारी चीजें आ जाती हैं, कि हमारे पास लोगों का होना, उनका मटेरियल होना और मनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बजट। बजट होगा तो हम लोग हायर करके उनसे काम करवा सकते हैं, अदरवाइज हम कोई ना बजट नहीं होगा हमारे पास तो हम कैसे मटेरियल खरीदेंगे, कैसे लोगों से काम करवाएंगे, ये काम हम आगे मूव करवा ही नहीं सकते। सेकेंड पॉइंट हमारे पास जो आता है वो ये है आउटपुट। आउटपुट में गुड्स और सर्विसेज। अब आउटपुट में क्या है, हम या तो किसी को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर हम कोई गोल बनाते हैं अपना अचीव करते हुए, कोई चीज तैयार कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, अब इसमें एक डायग्राम है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, इसकी जो डायग्राम है उसके अंदर ये सारी चीजें बताई हैं, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के दरमियान में प्रोसेसिंग होती है, जिसके हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट का नाम दे रहे हैं, कि हम किस तरह से एक प्रोडक्ट को मैनेज करते हुए चला रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो इम्प्रूवमेंट आती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की आती है। अब सप्लाई ही होगी तो हमारी आउटपुट हो सकती है ना, इनपुट हमारे पास मौजूद होगा तो हम कर सकते हैं। फिर हमने कस्टमर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमेशा दो चीजों पे बेस करता है, कस्टमर पे और प्रोड्यूसर पे, यानी कि जो हमारा बनाने वाला है और जो खरीदने वाला है, इन दोनों के दरमियान में चीज आती है। अगर हम कस्टमर की नीड को फुलफिल करेंगे तो कस्टमर आगे से आगे हमें और ऑर्डर देगा, अदरवाइज वो हमें ऑर्डर नहीं देगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो मटेरियल और फिजिकल फ्लॉज हैं उन्हें हमने ये लाइट ग्रीन कलर से शो करवाया है। अब जब हमने डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के लिए उसको हमने शो करवाया है ये रेड कलर से। अब जो ये एम्प्टी बॉक्स है उसको हमने कहा कि ये वैल्यूज हैं जो हमने अंडरस्टैंड करते हुए जिनके ऊपर काम करना है। ये ऑर्गेनाइजेशनल का सिस्टम है, ये पूरा फ्लो चार्ट बनाया गया है। अब डेटा फ्लो है उसको हमने ब्लू लाइन से करवाया है। अब जो लाइट सा ग्रे कलर दिया है उसे हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम दिया, कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने रहते हुए उसका वर्क करवाया। ये था इसका जनरल मॉडल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक मॉडल कैसे सेट करते हैं। पहले इनपुट होगी तो हमने आउटपुट बनानी है, आउटपुट कैसे बनानी है, प्रोडक्ट को देखते हुए, और या फिर अपनी प्रोसेसिंग करते हुए। प्रोसेसिंग में आती है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें कस्टमर
और जो हमारी मैनेजमेंट है उनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देखा जाता है, काम कैसे मूव कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो चीजें आई थी, अब उनकी वन बाय वन करके उनकी डेफिनेशंस को देखते हैं कि कौन सी चीजें आई थी, क्या ग्राफ थे, कितनी चीजों को अंडरस्टैंड करवाया गया। अच्छा, अब यहाँ पे आता है वैल्यू चेन, अपसेट स्ट्रीम मैनेजमेंट, डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम मैनेजमेंट। चेन से मुराद ये होता है कि एक चीज का दूसरी चीज के साथ जुड़ना, जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती है, उसको हम चेन कहते हैं। वैल्यू चेन में हमारे पास आती है सीरीज, चेन ऑफ एक्टिविटीज डेट इंक्लूड इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसेस एंड स्टोरेज, प्रोडक्शन फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टोरेज, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मार्केटिंग एंड सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज। अब इसमें जिन चीजों को डिस्कस किया गया इनको वन बाय वन करके डिस्क्राइब करते हैं। सप्लाई चेन में हमारे पास जो चीजें आ रही हैं वो मैंने अभी कहा आपको कि कस्टमर और मैनेजमेंट जो हमारे पास होती है, प्रोड्यूसर होता है, उनका रिलेशनशिप देखा जाता है कि वो कितने हद तक अपने कस्टमर को फुल यानी कि नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, उनको सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कि दोबारा कस्टमर वहां से जाए। इसके बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसे है कि अगर हम एक शॉप से कोई चीज खरीदते हैं तो हमें बिल्कुल पता होता है कि हम यहाँ से जो चीज खरीदेंगे उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, हमें उसकी क्वांटिटी भी अच्छी मिलेगी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिनके ऊपर रखते हुए हम अपने प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम भी हम कहेंगे हाँ जी, ये वाला जो शॉपकीपर है या इस शॉप से हमें अच्छी चीज मिल रही है, तो हम दूसरों को भी जाके पब्लिसिटी करते हैं। हम खुद एक पब्लिसिटर होते हैं कि हमने दूसरों को भी जाके बताना है कि फलां जगह है, उस जगह से जाके आप चीज खरीदेंगे तो ये चीज आपको बड़ी अच्छी मिल रही है। एडवर्टाइजमेंट के अलावा हम जो खरीदने वाला सेट होता है, जो कस्टमर होता है, वो खुद भी एक पब्लिसिटर होता है और उसको सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी है। और अगर हमें किसी जगह की कोई चीज पसंद नहीं आती तब भी हम पब्लिसिटी करते हैं कि हम कहते हैं कि ये चीज हमें नहीं अच्छी लगी, इस चीज को हम नहीं पसंद कर रहे, तो इट मीन कि ये चीज अच्छी नहीं है, या इसका खाने की कोई चीज है तो हम कहेंगे इसका टेस्ट नहीं अच्छा जी, इस प्रोडक्ट का यहाँ से है। एग्जाम्पल आ जाते कि हमने यहाँ से खरीदा, यहाँ से काम नहीं अच्छा मिला, इसका लाइक जूस है तो हम कहेंगे ये वाला जूस इस ब्रांड का नहीं अच्छा, दूसरे ब्रांड का अच्छा। जिस तरह हम नेस्ले के जूस को पसंद करते हैं, अगर कोई और आ जाए तो हम उसको थोड़ा टेस्ट में फर्क हो, अगर हमें लाइक करेंगे टेस्ट को तो देन हम आगे उस प्रोडक्ट को देखते हैं, तो मुख्तलिफ शॉप्स पे आगे आना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब इसमें जो जो चीजें आई, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ये इंटरनल थिंग है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट भी नहीं आया। इंटरनल थिंग में इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब कि अंदर काम करते हुए आपकी टीमिंग अच्छी होनी चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, वेयर हाउसेज आपके पास स्टॉक होना चाहिए, काम होना चाहिए, फिर आप उनकी स्टोरेज देख रहे हैं कि आपके पास स्टोर चीज अच्छी जा रही है, प्रोडक्शन हो रही है उस चीज के बारे में, आप प्रोडक्ट अपनी अच्छी लेकर चल रहे हैं, उन चीजों के बारे में अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप फिनिशिंग प्रोडक्ट आपके पास टाइमली प्रोडक्ट जो है आप उनको फिनिश्ड कर रहे हैं, जितना आपको 10 दिन का टाइम दिया गया था, जो आपकी डेडलाइन थी उसको अचीव करने के आप अचीव कर रहे हैं, स्टोरेज उनकी ठीक बना रहे हैं, आउटबाउंड आपकी आ गई कि अब आपने जो इंटरनल अपनी टीम वर्क अच्छा रखा तो बाहर भी काम अच्छा जा रहा है, आपकी मार्केटिंग अच्छी जा रही है, लोग सेल्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हो, कस्टमर सर्विसेज को बता रहे हो कि आपकी ये वाली कस्टमर सर्विसेज है, इनको रहता है आपने ऐसे वर्क करना, चीजों को बताना कि ये वाली कस्टमर है, अगर यार अगर वो कोई मशीनरी खरीदते हैं तो उसके अंदर उनको कोई खराबी आ जाती है तो उसको आप सर्विसेज दे रहे हो कि नहीं दे रहे, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अपसेट स्ट्रीम मैनेजमेंट क्या होती है, वो मैनेजमेंट जिसके अंदर हमने अंदर की चीजों को डिस्कस किया। अब हम ये आते हैं मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसेज एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। अब अपसेट स्ट्रीम मैनेजमेंट में क्या चीज आती है कि इसमें रॉ मटेरियल्स की हमें कुछ कुछ डाटा मिल रहा है, पूरी एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में नहीं है। लाइक हमें कोई डाटा, हमें अब धागा चाहिए था कहीं से, हमने धागा परचेज कर लिया, कहीं से मशीनरी का कोई तेल चाहिए था, हमने तेल ले लिया, पूरी एक फॉर्म नहीं बनी कि जिसको हम कह सकें कि हमारे पास इतनी क्वांटिटी है, इसकी ये चीज है, कुछ कुछ चीजें मौजूद है, हमारा टीम वर्क अच्छा है, हमारा स्टॉक अच्छा है, और हमने अपनी स्टोरेज फैसिलिटीज अच्छी दी हुई है कि हम जब भी दोबारा कोई अगर एक जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो दोबारा हम उस चीज को नए सिरे से दोबारा तैयार कर सकें, उसकी और चीजें जो है तैयार करके मार्केट में भेज सकें। डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट क्या होती है, अब इसके अंदर हमने ये मैनेज करना है कि जो हमारी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, यानी कि जो हमारी डेडलाइन थी, विद इन टाइम हमने उस प्रोडक्ट को भेजा है। अब विद इन टाइम इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने 10 दिन मिले तो 10 दिन के अंदर आखिरी 10वें दिन तैयार करने, नहीं, हमने 7 डेज में तैयार करनी होती है, और लास्ट 3 डेज जो होते हैं वो हम टेस्टिंग के लिए रखते हैं। हाँ, अगर कोई टेस्टिंग में मसला आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर हम लास्ट वाले जो 2 डेज होते हैं उसके अंदर दोबारा से उस चीज को दोबारा सेट करके देखते हैं कि ये कोशिश करते हैं, और बल्कि ये तो मैक्सिमम हम टाइम दे रहे हैं, मिनिमम टाइम हमारे पास हाफ होता है कि हमने इतने 5 डेज के अंदर चीज तैयार करनी है, जितना टाइम दिया गया
है उसके हाफ टाइम के अंदर हमने चीज तैयार करके टेस्टिंग करके अगर उसके अंदर कोई एरर है दोबारा से सेट करके उस चीज को मार्केट में भेजना है। अगर एरर वाली चीज हम मार्केट में भेज दें या उसको सेल आउट कर दें तो हमारी अपनी रेपुटेशन जो होती है वो डाउन जाती है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस लॉस में जाना शुरू हो जाता है और हमारे बिजनेस की पब्लिसिटी अच्छी नहीं जाती मार्केट में। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में भी हमारे पास टीम वर्क आ जाता है। अब मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग वही है कि जो भी कहा कि आपको कि आपने अपने एरर फ्री चीजों को भेजना है। अब सेल्स आप जाती है, सेल्स हमारे पास बढ़ती जाएंगी, कस्टमर सर्विसेज जो है अगर हमने सेल्स अच्छी की तो कस्टमर क्या होंगे, हमसे सर्विसेज लेना चाहेंगे अगर उनको चीजें पसंद आए। अगर वो चीजें ही नहीं पसंद आई तो कस्टमर कभी भी हमसे सर्विसेज लेना पसंद नहीं करेगा। तो ये हमारे बिजनेस को डाउन चीजें लेकर जा रही होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर रहते हुए, हमने मैन्युफैक्चरिंग के हम बना कैसे रहे हैं इस चीज को, एक कंपनी है वो कैसे एक चीज को बना रही है, काम को कैसे लेके चल रही है। इसमें हमारे पास दो चीजें जो भी हमने पढ़ी हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में रॉ मटेरियल था, इनबाउंड था, वेयर हाउसेज एंड प्रोडक्शन। देखें रॉ मटेरियल जा रहा है इनबाउंड के पास कि ठीक है वो लेकर जा रहा है कि ठीक है यहाँ तक पहुंचा रहा है मार्केट में, तो ट्रैकिंग कर रहा है कि हमारा सिस्टम सही जा रहा है। अब रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में पहुंच रहा है, अब वहां पे इंडस्ट्री में जाकर उसकी स्टोरेज होगी, अब वो प्रोडक्शन पे आ गया, हम उसे प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर रहे हैं। ये प्रोडक्शन वाली यहाँ पे जो आपको डायग्राम शो हो रही है इसमें प्रोसेस को कंट्रोल किया जा रहा है, फिर ये उसको देखते हुए वर्क कर रहा है। अब ये देखें यहाँ से एक एरो इधर जाता हुआ इस तरफ आया डाउन स्ट्रीम की तरफ, इसमें कस्टमर सर्विसेज आई है, ट्रैकिंग आया, कंट्रोल किया है, वही मार्केटिंग एंड सेल प्रमोशन करवाई है। नहीं है आउटबाउंड लॉजिस्टिक आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग आ जाती है कि हमने अपनी प्लानिंग सिस्टम क्या किया, अब आ गए। अब यही हमारा टीम वर्क है कि हम उसको सही जगह पर पहुंचा रहे, हमने अपने काम को सही टाइम पर पहुंचा दिया, फिनिश किस तरह से कर रहे हैं, प्रोडक्ट को अपने ऑटोमेटेड हमने देखा कि हमारी जो प्रोडक्ट स्टोरेज है वो सही जगह पे पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, रेलिवेंट सिस्टम में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसे कहते हैं वैल्यू चेन ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसको हम लोग ये नाम देते हैं। इसमें हमारे पास SCM और CRM आ जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी है तो हमारा कस्टमर से रिलेशन भी अच्छा है, अदरवाइज अगर हमारा कस्टमर से रिलेशन नहीं अच्छा तो कस्टमर हमारी पब्लिसिटी अच्छी नहीं करेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ड्रॉप होती जाएगी, नहीं दिन ब दिन नीचे आती जाएगी, डाउन टू डाउन होती जाएगी। अब इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM, SCM को स्टैंड पर यही बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिटरमाइंस रिक्वायर्ड सप्लाईज, नीडेड क्वालिटीज क्वांटिटीज, प्रोसेसिंग एंड शिपमेंट। अच्छा अब हमने ये देखना है कि जो हमारा सप्लायर है उसको क्या चीज चाहिए, बेसिकली वो बनवाना क्या चाह रहा है हमसे, उसको कितनी क्वांटिटी यानी कि उसको किस तादाद में चीज चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग एंड शिपमेंट, शिपमेंट होता है कि हमने उस तक पहुंचानी कैसे है। अब वो शिपमेंट अगर वो आउट ऑफ कंट्री होगा तो हमें शिपमेंट जो होती है वो लेनी पड़ती है बाई, हमें समुन्द्र के थ्रू लेनी पड़ती है, बाई ओशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर हमारी जो होगा विद इन कंट्री होगा तो हम उसकी कैसे ले सकते हैं, बाई ट्रेन भी ले सकते हैं और बाई रोड भी ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है किस इलाके की तरफ है, हमें उसके मुताबिक उसकी शिपमेंट को मैनेज करना पड़ता है, और वो ही इस ये शिपमेंट के पैसे हम उससे ज्यादा से चार्ज नहीं करते, वो प्रोडक्ट के अंदर ही हम डाल देते हैं कि ये इसका टैक्स बना के जो डाला जाता है उसको हम इसी के अंदर चार्जेस में डालते हैं। अब आते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM स्टैंड फॉर यही कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हेल्प्स कंपनी मैनेज ऑल एस्पेक्ट ऑफ कस्टमर्स इनकाउंटर्स इंक्लूडिंग मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट सेल्स सर्विसेज एंड मेंटेनिंग लॉयल्टी। अच्छा अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें थिंग है लॉयल्टी, लॉयल्टी जो है हमारी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ऑल एक्सपेक्ट्स कौन कौन से इनके जो है एक्सपेक्ट्स को काउंट कर रहा है, उनमें कस्टमर का इनकाउंट है, कस्टमर के अंदर कौन कौन, कस्टमर देख रहा है कि वो चीज जो है उसकी मार्केटिंग में वैल्यू अच्छी जा रही है और लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एडवर्टाइज लोगों ने उसको बताया कि ये काम बहुत अच्छा है, ये इसका अच्छे रिव्यूज है। लाइक उसी तरह जैसे हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं उसके नीचे देखते हैं कितने स्टार्स हैं या फिर लोगों का रिव्यूज पढ़ते हैं, अगर अच्छे हों तो तभी हम उस ऐप को यूज करते हैं, उसलिए हम लोग इस तरह ऐप्स यूज कर रहे होते हैं। फिर उसकी सेल्स देखते हैं कि इसकी लेवल कितना जा रहा है, सेल्स में 4 स्टार जा रहा है, 5 स्टार सेल जा रही है, फिर उसकी सर्विसेज चेक करेंगे, फिर मेंटेनिंग लॉयल्टी की, लॉयल्टी ये अपनी चीजों की जो वफादारी है वो चीज दूसरी जगह पे सही लेके जा रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे कि एक कस्टमर और जो इम्प्लाई है उसके दरम्यान में जो लॉयल्टी वो कायम है। अगर यानी कि एक बैंक है उसमें जाके एक कस्टमर जो अपना अकाउंट खुलवाता है, क्या वो हर किसी को आके बता देंगे कि इसके अकाउंट में इतनी पेमेंट है, ये काम इतना ऐसे हुआ है, ये लॉयल्टी हमारे पास ये काम है मैनेज करवा रही होती है, किसको हम लॉयल्टी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है
कैरियर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैरियर्स कौन कौन से हैं, कैरियर्स हमें कौन कौन से फील्ड्स मिल सकती हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में. अच्छा, डिग्री प्रोग्राम्स, डिग्रीज हमें हो सकती है हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में, ठीक है, जो हमारे बिजनेस को बेनिफिशियल देती है. अगर हमारा अपना बिजनेस है तो हम उस डिग्री को यूज करके अपने बिजनेस में उसमें ग्रोथ करवा सकते हैं. बिजनेस डिग्रीज विद द ग्लोबल और इंटरनेशनल ओरिएंटेशन, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे हमें एक्सप्रेस करना आ जाता है, हमें लैंग्वेजेज आ जाती हैं, हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम इस चीज को आगे से आगे एक्सप्लेन करते हैं. कंप्यूटर सिस्टम्स आर मेकिंग आईएएस प्रोफेशनल्स वर्क इजियर, कि हमारा जो आईएएस इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है उसको प्रोफेशनली काम को आसान से आसान करते जाते हैं. अपॉर्चुनिटीज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर नॉट कंफाइंड टू सिंगल कंट्रीज. हाँ जी, जो अपॉर्चुनिटीज है वो ये नहीं होंगी कि एक ही कंट्री के अंदर अभी हमें मिल रही है, अब हमें मल्टीपल कंट्रीज के अंदर हमें अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो जाती हैं. इससे हमें ये फायदा. हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था. कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू. एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि इस टॉपिक में हमारे पास क्या डिटेल है, इसके अंदर कितनी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं. ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हमें एक अदारे को, इंस्टीट्यूट को, या वो जगह जहाँ पे कुछ लोग मिलकर कोई चीज आगे कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, अपनी गोल को अचीव कर रहे हैं. जैसे वो कोई इंडस्ट्री लगाते हैं जिसके अंदर वो अपने गोल को अचीव करते हैं, लाइक कपड़े की इंडस्ट्री, तो उनका मकसद ये है कि उन्होंने धागा के जरिए अपना जो है अपना खाम माल लेना, धागा, धागे के जरिए अपने और कपड़ा तैयार करना और उसे आगे से आगे ट्रांसफर करना है. या अगर कोई हमारे पास कोई फूड फैक्ट्री है, उसके अंदर उन्होंने फूड की कोई प्रोडक्ट तैयार करनी है, लाइक मसाला की फैक्ट्री, तो मसाला वगैरह उसने तैयार करना है. अब इसकी जो मेन डेफिनेशन है उसके ऊपर आते हैं. ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन ऑफ पीपल एंड अदर रिसोर्सेज एस्टेब्लिश टू अकॉम्प्लिश अ सेट ऑफ गोल्स. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है अकॉम्प्लिश का और दूसरा एस्टेब्लिश का. एस्टेब्लिश का मतलब होता है कि हम ऐसी चीज कायम करें, किनको यूज करते हुए, जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है. अब इनमें कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का होना जरूरी है, लेकिन हमें सबसे पहले अपने रिसोर्सेज देखना है जिसमें हमारे पास जगह आ जाती है, कि जो लोकेशन है वो हमारे पास है, बिल्डिंग है उस लोकेशन के ऊपर. फिर उसके ऊपर हमने एसेट्स देखने हैं कि हमारे पास फर्नीचर है या वो मशीनरी है जिसके अंदर हम रह के वो सेटअप लगा सकते हैं, उसका हमारे पास बैकअप मौजूद है, या वो जो हमने जो प्रोडक्ट बनानी है उसके रॉ फैक्ट्स, उसके जो हमारा रॉ मटेरियल है वो मौजूद है. अब अकॉम्प्लिश का मतलब होता है अचीव करना, कि हम इस गोल को अचीव कर पा रहे हैं जो हमने अपना गोल तैयार किया था. अब हमने इसे पहले एग्जाम्पल से पहले, इसके डेफिनेशन से पहले ये बात की थी कि हम लोग धागे की फैक्ट्री से कोरा कपड़ा तैयार करके निकाल रहे हैं, तो अब जो धागा है वो हम परचेज करेंगे और उससे आगे जो है हम कोरा कपड़ा बनाएंगे. तो अब हमारा जो मेन गोल था, जो हमने अचीव करना था, वो ये था हमने कोरा कपड़ा बनाना, उसको लेते हुए. अब इंफॉर्मेशन सिस्टम का इसमें क्या काम आता है, इसमें हमें ये आता है कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैनेज करते हुए काम आगे लेके जा रहे हैं, किस तरह से हम बनाते हैं. पहले हम प्लानिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद उस डेटा को एनालिसिस करेंगे, फिर मेकिंग करेंगे, हाँ जी ये डेटा मौजूद है हमारे पास, फिर मेकिंग करेंगे, मेकिंग करने के बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे कि सही काम हुआ है, फिर कंट्रोलिंग करेंगे कि इसके ऊपर रहते हुए, देन एंड पे जो मेन काम होता है मेंटेनेंस का होता है, कि हमने जो काम किया है उसको सही अंदाज में जो उसके हैं जिनका गोल है उन तक पहुंचाना, या कस्टमर की जरूरत तक उनको देना. एन ऑर्गेनाइजेशन इज द सिस्टम, ये हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है जिसके अंदर रहते हुए हम दो तीन चीजों पे वर्क कर रहे हैं. मेन तो दो ही चीजें हैं, इनपुट एंड आउटपुट. अब हम किस चीज को बेस बना रहे हैं और आउटपुट हमारा गोल आ जाता है. हमने अभी जो धागे वाली बात की, जो इनपुट थी वो हमारा धागा था, जो कपड़ा तैयार होकर निकलता है वो हमारे पास आउटपुट है. इनपुट में रिसोर्सेज, मटेरियल्स, पीपल, मनी, ETC, ये सारी चीजें आ जाती हैं, कि हमारे पास लोगों का होना, उनका मटेरियल होना और मनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बजट. बजट होगा तो हम लोग हायर करके उनसे काम करवा सकते हैं, अदरवाइज हम कोई ना बजट नहीं होगा हमारे पास तो हम कैसे मटेरियल खरीदेंगे, कैसे लोगों से काम करवाएंगे, ये काम हम आगे मूव करवा ही नहीं सकते. सेकेंड पॉइंट हमारे पास जो आता है वो ये है आउटपुट. आउटपुट में गुड्स और सर्विसेज. अब आउटपुट में क्या है, हम या तो किसी को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या फिर हम कोई गोल बनाते हैं अपना अचीव करते हुए, कोई चीज तैयार कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं. अच्छा, अब इसमें एक डायग्राम है. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन
एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, इसकी जो डायग्राम है उसके अंदर ये सारी चीजें बताई हैं, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के दरमियान में प्रोसेसिंग होती है, जिसके हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट का नाम दे रहे हैं कि हम किस तरह से एक प्रोडक्ट को मैनेज करते हुए चला रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो इम्प्रूवमेंट आती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की आती है। अब सप्लाई ही होगी तो हमारी आउटपुट हो सकती है ना, इनपुट हमारे पास मौजूद होगा तो हम कर सकते हैं। फिर हमने कस्टमर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमेशा दो चीजों पे बेस करता है, कस्टमर पे और प्रोड्यूसर पे, यानी कि जो हमारा बनाने वाला है और जो खरीदने वाला है, इन दोनों के दरमियान में चीज आती है। अगर हम कस्टमर के नीड को फुलफिल करेंगे तो कस्टमर आगे से आगे हमें और ऑर्डर देगा, अदरवाइज वो हमें ऑर्डर नहीं देगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो मटेरियल और फिजिकल फ्लॉज हैं उन्हें हमने ये लाइट ग्रीन कलर से शो करवाया है। अब जब हमने डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के लिए उसको हमने शो करवाया है ये रेड कलर से। अब जो ये एम्प्टी बॉक्स है उसको हमने कहा कि ये वैल्यूज हैं जो हमने अंडरस्टैंड करते हुए जिनके ऊपर काम करना है। ये ऑर्गेनाइजेशनल का सिस्टम है, ये पूरा फ्लो चार्ट बनाया गया है। अब डेटा फ्लो है उसको हमने ब्लू लाइन से करवाया है। अब जो लाइट सा ग्रे कलर दिया है उसे हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम दिया कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने रहते हुए उसका वर्क करवाया। ये था इसका जनरल मॉडल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक मॉडल कैसे सेट करते हैं। पहले इनपुट होगी तो हमने आउटपुट बनानी है, आउटपुट कैसे बनानी है प्रोडक्ट को देखते हुए और या फिर अपनी प्रोसेसिंग करते हुए। प्रोसेसिंग में आती है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें कस्टमर और जो हमारी मैनेजमेंट है उनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देखा जाता है, काम कैसे मूव कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो चीजें आई थी, अब उनकी वन बाय वन करके उनकी डेफिनेशंस को देखते हैं कि कौन सी चीजें आई थी, क्या ग्राफ थे, कितनी चीजों को अंडरस्टैंड करवाया गया। अच्छा, अब यहाँ पे आता है वैल्यू चेन, अपस्ट्रीम मैनेजमेंट, डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट। चेन से मराद ये होता है कि एक चीज का दूसरी चीज के साथ जुड़ना, जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती है उसको हम चेन कहते हैं। वैल्यू चेन में हमारे पास आती है सीरीज, चेन ऑफ एक्टिविटीज डेट इंक्लूड इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसेस एंड स्टोरेज, प्रोडक्शन फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टोरेज, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज। अब इसमें जिन चीजों को डिस्कस किया गया इनको वन बाय वन करके डिस्क्राइब करते हैं। सप्लाई चेन में हमारे पास जो चीजें आ रही हैं वो मैंने अभी कहा आपको कि कस्टमर और मैनेजमेंट जो हमारे पास होती है, प्रोड्यूसर होता है, उनका रिलेशनशिप देखा जाता है कि वो कितने हद तक अपने कस्टमर को यानी कि नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, उनको सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कि दोबारा कस्टमर वहां से जाए। इसके बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसे है कि अगर हम एक शॉप से कोई चीज खरीदते हैं तो हमें बिल्कुल पता होता है कि हम यहाँ से जो चीज खरीदेंगे उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, हमें उसकी क्वांटिटी भी अच्छी मिलेगी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिनके ऊपर रखते हुए हम अपने प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम भी हम कहेंगे हाँ जी, ये वाला जो शॉपकीपर है या इस शॉप से हमें अच्छी चीज मिल रही है, तो हम दूसरों को भी जाके पब्लिसिटी करते हैं। हम खुद एक पब्लिसिटर होते हैं कि हमने दूसरों को भी जाके बताना है कि फलां जगह है, उस जगह से जाके आप चीज खरीदेंगे तो ये चीज आपको बड़ी अच्छी मिल रही है। एडवर्टाइजमेंट के अलावा हम जो खरीदने वाला सेट होता है, जो कस्टमर होता है, वो खुद भी एक पब्लिसिटर होता है और उसको सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी है। और अगर हमें किसी जगह की कोई चीज पसंद नहीं आती तब भी हम पब्लिसिटी करते हैं कि हम कहते हैं कि ये चीज हमें नहीं अच्छी लगी, इस चीज को हम नहीं पसंद कर रहे, तो इट मीन कि ये चीज अच्छी नहीं है, या इसका खाने की कोई चीज है तो हम कहेंगे इसका टेस्ट नहीं अच्छा जी, इस प्रोडक्ट का यहाँ से है। एग्जाम्पल आ जाते कि हमने यहाँ से खरीदा, यहाँ से काम ही अच्छा मिला, इसका लाइक जूस है तो हम कहेंगे ये वाला जूस इस ब्रांड का नहीं अच्छा, दूसरे ब्रांड का अच्छा। जिस तरह हम नेस्ले के जूस को पसंद करते हैं, अगर कोई और आ जाए तो हम उसको थोड़ा टेस्ट में फर्क हो, अगर हमें लाइक करेंगे टेस्ट को, तो देन हम आगे उस प्रोडक्ट को देखते हैं, तो मुख्तलिफ शॉप्स पे आगे आना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब इसमें जो जो चीजें आई, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ये इंटरनल थिंग है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट भी नहीं आया। इंटरनल थिंग में इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब कि अंदर काम करते हुए आपकी टीमिंग अच्छी होनी चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, वेयर हाउसेज आपके पास स्टॉक होना चाहिए, काम होना चाहिए। फिर आप उनकी स्टोरेज देख रहे हैं कि आपके पास स्टोर चीज अच्छी जा रही है, प्रोडक्शन हो रही है उस चीज के बारे में, आप प्रोडक्ट अपनी अच्छी लेकर चल रहे हैं, उन चीजों के बारे में अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप फिनिशिंग प्रोडक्ट आपके पास टाइमली प्रोडक्ट जो है आप उनको फिनिश्ड कर रहे हैं, जितना आपको 10 दिन का टाइम दिया गया था, जो आपकी डेडलाइन थी उसको अचीव करने के, आप अचीव कर रहे हैं, स्टोरेज इनकी ठीक बना रहे हैं, आउटबाउंड आपकी आ गई कि अब आपने जो इंटरनल अपनी टीम वर्क अच्छा रखा तो बाहर भी काम अच्छा जा रहा है, आपकी मार्केटिंग अच्छी जा रही है, लोग सेल्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हो, कस्टमर सर्विसेज को बता रहे हो कि आपकी ये वाली कस्टमर सर्विसेज है, इनको रहता है आपने ऐसे वर्क करना।
चीजों को बताना कि ये वाली कस्टमर है, अगर यार अगर वो कोई मशीनरी खरीदते हैं तो उसके अंदर उनको कोई खराबी आ जाती है तो उसको आप सर्विसेज दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। आपसे टीम मैनेजमेंट क्या होती है, वो मैनेजमेंट जिसके अंदर हमने अंदर की चीजों को डिस्कस किया। अब हम ये आते हैं मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसेज एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। अब आपसे ट्रीम मैनेजमेंट में क्या चीज आती है कि इसमें रॉ मटेरियल्स की हमें कुछ कुछ डाटा मिल रहा है, पूरी एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में नहीं है। लाइक हमें कोई डाटा, हमें अब धागा चाहिए था कहीं से, हमने धागा परचेज कर लिया, कहीं से मशीनरी का कोई तेल चाहिए था, हमने तेल ले लिया, पूरी एक फॉर्म नहीं बनी कि जिसको हम कह सकें कि हमारे पास इतनी क्वांटिटी है, इसकी ये चीज है। कुछ कुछ चीजें मौजूद है, हमारा टीम वर्क अच्छा है, हमारा स्टॉक अच्छा है, और हमने अपनी स्टोरेज फैसिलिटीज अच्छी नहीं हुई है कि हम जब भी दोबारा कोई, अगर एक जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो दोबारा हम उस चीज को नए सिरे से दोबारा तैयार कर सकें, उसकी और चीजें जो है तैयार करके मार्केट में भेज सकें। डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट क्या होती है, अब इसके अंदर हमने ये मैनेज करना है कि जो हमारी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, यानी कि जो हमारी डेडलाइन थी, विद इन टाइम हमने उस प्रोडक्ट को भेजा है। अब विद इन टाइम इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने 10 दिन मिले तो 10 दिन के अंदर आखिरी 10वें दिन तैयार करने, नहीं, हमने 7 डेज में तैयार करनी होती है, और लास्ट 3 डेज जो होते हैं वो हम टेस्टिंग के लिए रखते हैं। हाँ, अगर कोई टेस्टिंग में मसला आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर हम लास्ट वाले जो 2 डेज होते हैं उसके अंदर दोबारा से उस चीज को दोबारा सेट करके देखते हैं कि ये कोशिश करते हैं। और बल्कि ये तो मैक्सिमम हम टाइम दे रहे हैं, मिनिमम टाइम हमारे पास हाफ होता है कि हमने इतने 5 डेज के अंदर चीज तैयार करनी है, जितना टाइम दिया गया उसके हाफ टाइम के अंदर हमने चीज तैयार करके टेस्टिंग करके, अगर उसके अंदर कोई एरर है दोबारा से सेट करके उस चीज को मार्केट में भेजना। अगर एरर वाली चीज हम मार्केट में भेज दें या उसको सेल आउट कर दें तो हमारी अपनी रेपुटेशन जो होती है वो डाउन जाती है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस लॉस में जाना शुरू हो जाता है और हमारे बिजनेस की पब्लिसिटी अच्छी नहीं जाती मार्केट में। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में भी हमारे पास टीम वर्क आ जाता है। अब मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग वही है कि जो भी कहा कि आपको कि आपने अपने एरर फ्री चीजों को भेजना है। अब सेल्स आप जाती है, सेल्स हमारे पास बढ़ती जाएंगी, कस्टमर सर्विसेज जो है, अगर हमने सेल्स अच्छी की तो कस्टमर क्या होंगे, हमसे सर्विसेज लेना चाहेंगे, अगर उनको चीजें पसंद आए। अगर वो चीजें ही नहीं पसंद आई तो कस्टमर कभी भी हमसे सर्विसेज लेना पसंद नहीं करेगा, तो ये हमारे बिजनेस को डाउन चीजें लेकर जा रही होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर रहते हुए, हमने मैन्युफैक्चरिंग के हम बना कैसे रहे हैं इस चीज को, एक कंपनी है वो कैसे एक चीज को बना रही है, काम को कैसे लेके चल रही है। इसमें हमारे पास दो चीजें जो भी हमने पढ़ी है, अपसेट टीम एंड डाउनसेट टीम। अपसेट टीम में रॉ मटेरियल था, इनबाउंड था, वेयर हाउसेज एंड प्रोडक्शन। देखें, रॉ मटेरियल जा रहा है इनबाउंड के पास की, ठीक है, वो लेकर जा रहा है कि ठीक है यहाँ तक पहुंचा रहा है मार्केट में, तो ट्रैकिंग कर रहा है कि हमारा सिस्टम सही जा रहा है। अब रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में पहुंच रहा है, अब वहां पे इंडस्ट्री में जाकर उसकी स्टोरेज होगी, अब वो प्रोडक्शन पे आ गया, हम उसे प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर रहे हैं। ये प्रोडक्शन वाली, यहाँ पे जो आपको डायग्राम शो हो रही है, इसमें प्रोसेस को कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये उसको देखते हुए वर्क कर रहा है। अब ये देखें, यहाँ से एक एरो इधर जाता हुआ इस तरफ आया डाउनस्ट्रीम की तरफ, इसमें कस्टमर सर्विसेज आई है, ट्रैकिंग आया, कंट्रोल किया है, वही मार्केटिंग एंड सेल प्रमोशन करवाई है। नहीं है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग आ जाती है कि हमने अपनी प्लानिंग सिस्टम क्या किया, अब आ गए। अब यही हमारा टीम वर्क है कि हम उसको सही जगह पर पहुंचा रहे, हमने अपने काम को सही टाइम पर पहुंचा दिया, फिनिश किस तरह से कर रहे हैं, प्रोडक्ट को अपने ऑटोमेटेड हमने देखा कि हमारी जो प्रोडक्ट स्टोरेज है वो सही जगह पे पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, रेलिवेंट सिस्टम में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसे कहते हैं वैल्यू चेन ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसको हम लोग ये नाम देते हैं। इसमें हमारे पास SCM और CRM आ जाता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है हमारी मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी है तो हमारा कस्टमर से रिलेशन भी अच्छा है, अदरवाइज अगर हमारा कस्टमर से रिलेशन नहीं अच्छा तो कस्टमर हमारी पब्लिसिटी अच्छी नहीं करेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ड्रॉप होती जाएगी, नहीं दिन ब दिन नीचे आती जाएगी, डाउन टू डाउन होती जाएगी। अब इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM, SCM को स्टैंड पर यही बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिटरमाइंस रिक्वायर्ड सप्लाईज, नीडेड क्वालिटीज क्वांटिटीज, प्रोसेसिंग एंड शिपमेंट। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि जो हमारा सप्लायर है उसको क्या चीज चाहिए, बेसिकली वो बनवाना क्या चाह रहा है हमसे,
उसको कितनी क्वांटिटी यानी कि उसको किस तादाद में चीज चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग एंड शिपमेंट, शिपमेंट होता है कि हमने उस तक पहुंचानी कैसे है। अब वो शिपमेंट अगर वो आउट ऑफ कंट्री होगा तो हमें शिपमेंट जो होती है वो लेनी पड़ती है बाई, हमें समुद्र के थ्रू लेनी पड़ती है, बाई ओशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर हमारी जो होगा विद इन कंट्री होगा तो हम उसकी कैसे ले सकते हैं, बाई ट्रेन भी ले सकते हैं और बाई रोड भी ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है किस इलाके की तरफ है, हमें उसके मुताबिक उसकी शिपमेंट को मैनेज करना पड़ता है। और वही ये शिपमेंट के पैसे हम उससे ज्यादा से चार्ज नहीं करते, वो प्रोडक्ट के अंदर ही हम डाल देते हैं कि ये इसका टैक्स बना के जो डाला जाता है उसको हम इसी के अंदर चार्जेस में डालते हैं। अब आते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM स्टैंड फॉर यही कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, द हेल्प्स कंपनी मैनेज ऑल एस्पेक्ट ऑफ कस्टमर्स इनकाउंटर्स इंक्लूडिंग मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट सेल्स सर्विसेज एंड मेंटेनिंग लॉयल्टी। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें थिंग है लॉयल्टी, लॉयल्टी जो है हमारी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो दोनों में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट्स कौन कौन से इनके जो है एस्पेक्ट्स को काउंट कर रहा है, उनमें कस्टमर का इनकाउंट, कस्टमर के अंदर कौन कौन, कस्टमर देख रहा है कि वो चीज जो है उसकी मार्केटिंग में वैल्यू अच्छी जा रही है और लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, एडवर्टाइज लोगों ने उसको बताया कि ये काम बहुत अच्छा है, ये इसका अच्छे रिव्यूज है। लाइक उसी तरह जैसे हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं उसके नीचे देखते हैं कितने स्टार्स हैं या फिर लोगों का रिव्यूज पढ़ते हैं, अगर अच्छे हों तो तभी हम उस ऐप को यूज करते हैं, उसलिए हम लोग इस तरह ऐप्स यूज कर रहे होते हैं। फिर उसकी सेल्स देखते हैं कि इसकी लेवल कितना जा रहा है, सेल्स में 4 स्टार जा रहा है, 5 स्टार सेल्स जा रही है, फिर उसकी सर्विसेज चेक करेंगे। फिर मेंटेनिंग लॉयल्टी की, लॉयल्टी ये अपनी चीजों की जो वफादारी है वो चीज दूसरी जगह पे सही लेके जा रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे कि एक कस्टमर और जो इम्प्लाई है उसके दरम्यान में जो लॉयल्टी वो कायम है। अगर यानी कि एक बैंक है उसमें जाके एक कस्टमर जो अपना अकाउंट खुलवाता है, क्या वो हर किसी को आके बता देंगे कि इसके अकाउंट में इतनी पेमेंट है, ये काम इतना ऐसे हुआ है, ये लॉयल्टी हमारे पास ये काम है मैनेज करवा रही होती है, इसको हम लॉयल्टी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कैरियर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैरियर्स कौन कौन से हैं, कैरियर्स हमें कौन कौन से फील्ड्स मिल सकती हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में। अच्छा डिग्री प्रोग्राम्स, डिग्रीज हम हो सकती है हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम में, ठीक है, जो हमारे बिजनेस को बेनिफिशियल देती है। अगर हमारा अपना बिजनेस है तो हम उस डिग्री को यूज करके अपने बिजनेस में उसमें ग्रोथ करवा सकते हैं। बिजनेस डिग्रीज विद द ग्लोबल और इंटरनेशनल ओरिएंटेशन, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे हमें एक्सप्रेस करना आ जाता है, हमें लैंग्वेजेज आ जाती है, हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम इस चीज को आगे से आगे एक्सप्लेन करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स आर मेकिंग IAS प्रोफेशनल्स वर्क ईजियर, कि हमारा जो IAS इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है उसको प्रोफेशनली काम को आसान से आसान करते जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर नॉट कंफाइंड टू सिंगल कंट्रीज, हाँ जी, जो अपॉर्चुनिटीज है वो ये नहीं होंगी कि एक ही कंट्री के अंदर अभी हमें मिल रही है, अब हमें मल्टीपल कंट्रीज के अंदर हमें अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, इससे हमें ये फायदा। जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर, अल्लाह हाफिज।